गाइस तो अभी कुतुब मीनार के पास पहुंच चुके और ये देखो कुतुब मीनार। और गाइस इस पूरे कुतुब मीनार पे एक ही वर्ड लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखो प्लेन कितना मस्त लग रहा है, ये एयर इंडिया का प्लेन है भाई, एयर इंडिया का। गाइस ये देखो ये कितनी छोटी सी गेट है। यहाँ देखो गाइस हर दीवार पे आपको एक ही चीज देखने को मिल रहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गाइस ये देखो लाइट जलने के बाद काफी औसम लग रहा है भाई, पूरे में हर जगह पे लाइटें लाइटें जल गई। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज अभी टाइम जो है लगभग 2 बज रहे हैं और अभी मैं आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। ऐसे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। तो हाँ गुड आफ्टरनून गाइज। और हाँ अभी मैं उठा हूँ और आप लोग को बताया था कि कहीं जाएंगे हम लोग घूमने और उजाले भाई साथ में हमारे, और उजाले भाई बताएंगे कि आज उजाले भाई और मैं और जिशान भाई हम तीनों जने कहाँ जा रहे हैं घूमने। और तो कहाँ चल रहे हो उजाले भाई बता दूँ? कुतुब मीनार। तो हाँ आज जा रहे कुतुब मीनार। और एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कुतुब मीनार का ब्लॉग बनाने के लिए, तो हाँ कुतुब मीनार आज जाएंगे हम लोग घूमने। उससे पहले दुकान पे चलते हैं क्योंकि काशिप दुकान पे बैठा हुआ है दुकान खोल के, और अभी हम कैमरा वैमरा अपना उठाएंगे। देखो कहाँ कैमरा कहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो गाइस अपना कैमरा पड़ा हुआ है, कैमरा उठा लिया है। और उजाले भाई भी एकदम रेडी हो गए कुर्ती उर्ती पहन के, मैं भी एकदम नहा धोवा के रेडी हो गया। अभी देखो बाल ऐसे बिखरे बिखरे हैं, अभी बाल भी मैंने नहीं छिटाया। और अभी मैं जाऊंगा दुकान पे, उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में कुतुब मीनार पे। तो हाँ पहले चलते दुकान पे। गाइस तो देखो अभी हम सब जने रोड पे हैं, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे समिल्ला भाई है, उधर जिशान भाई है, आरजू भाई है और जाले भाई है। और अभी हम लोग निकलेंगे कुतुब मीनार घूमने के लिए, अभी सब लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से पहले चलेंगे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ के फिर जाएंगे कुतुब मीनार। गाइस तो देखो दिल्ली मेट्रो में आ चुके हैं और टिकट भी ले लिया अभी, अब मेट्रो के यहाँ पे चल रहे पहले। गाइस तो देखो अभी मेट्रो के पास आ चुके हैं और अभी मेट्रो आने का वेट कर रहे हैं, और भाई लोग को देखो यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। गाइस देखो अभी मेट्रो में बैठ गए हम लोग और अभी चल रहे कुतुब मीनार पे, ये मेट्रो कुतुब मीनार तक जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखो साथ में भाई, नाम क्या है आपका? समीउल्ला भाई, उजाले भाई। तो अभी चलते हैं हम लोग। गाइस तो कुतुब मीनार जंक्शन पे उतर चुके हैं और अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्ट पहले कुतुब मीनार पे, और इन लोगों को देखो फोटो शूट कराने के लिए ऊपर जा रहे भाई। गाइस तो मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद फिर अभी ऑटो लिया हमने, ऑटो से जाना पड़ेगा थोड़ी दूर पे। गाइस तो अभी कुतुब मीनार के पास पहुंच चुके हैं और यहां से देखो कुतुब मीनार दिख रहा है भाई, ये देखो। अभी हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर का भी दिखाएंगे आप लोगों को भी। देखो भाई इधर पब्लिक का कितना भीड़ है, और भाई साहब जिशान को देखो वो आगे चला गया जिशान, और भाई इधर टिकट के लिए भीड़ है क्या भैया? भाई गाइस देखो टिकट के लिए कितनी सारी भीड़ है, अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये कितनी सारी भीड़ हो रही है टिकट लेने के लिए भाई, अरे भाई कितनी भीड़ है। गाइस ये देखो टिकट लेने के लिए इतनी भीड़ है भाई साहब, इतने आदमी लाइन में लगे हुए, कितनी सारी लाइनें हैं टिकट लेने के लिए। ऐसे मुल्ला भाई यार कुछ बताओ यार, भैंसो इतना भीड़ है भाई, और क्या भाई बहुत टाइम लग जाएगा गाइस अभी हमें, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा नहीं लग जाएगा। ये लोग भी पता नहीं कहाँ चले गए भाई, कहाँ चला गया ये लोग, अंदर गए होंगे। गाइस तो देखो अभी टिकट ले लिया हम लोगों ने ऑनलाइन किया, और अभी गेट पे लाइन में लगे हुए हैं, ये है कुतुब मीनार का गेट। और अभी हम लोग यहाँ पे भी देखो कितनी सारी भीड़ है, हम लोग ने तो ऑनलाइन किया इसीलिए टाइम नहीं लगा भाई, पीछे भी देखो कितनी सारी भीड़ है, पर हम लोग ने ऑनलाइन टिकट किया इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अभी गेट पे हैं हम लोग, अब अंदर चलेंगे। गाइस तो देखो कुतुब मीनार के अंदर अभी हम लोग हैं, और इधर देखो ये गार्डन टाइप का कितना मस्त बना रखा है। और भाई यहाँ पे देखो पता नहीं है क्या, मुझे कुछ पता भी नहीं है इस सब के बारे में। और ये देखो फाइनली कुतुब मीनार, और हाँ अभी चलते इसके और भी ज़्यादा पास और फिर वहाँ से दिखाएंगे आप लोग को। और इधर देखो ये गार्डन वार्डन बना रखा है काफ़ी अच्छा वाला, इधर देखो गेट है यहाँ पे,
और बाकी पता नहीं ये क्या है, शुद्ध पेयजल पानी पीने वाला है कुछ शायद, शुद्ध पेयजल उधर पानी मिलता है। ये देखो कितना मस्त बना रखा भाई, ये देखो फोटो शूट हो रहा है भाई, हमारा भी कैमरा इधर है। अबे भाई इज्जत कर ले कैमरे की, उठा ले हाथ में रख ले। और ये देखो कुतुब मीनार भाई, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। और गाइज एक बात और बताऊँ, यहाँ पे से ना एरोप्लेन गुजरती है तो यहाँ पे से एकदम बड़ा दिखता है। अभी एक भी एरोप्लेन, ये देखो ये देखो ये देखो गाइज, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है यहाँ से देखने में भाई। अभी देखो और भी पास आएगा फिर दिखाऊंगा। यहाँ से फ्लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है यहाँ पे देखने में। ये देखो कितना बड़ा लग रहा है भाई, लग रहा है ये तो पास में ही है ऐसा लग रहा है, बट काफ़ी दूर है। ये देखो कितना बड़ा लग रहा है यहाँ से प्लेन भाई, मस्त लग रहा है एक नंबर, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और देखो ये रहा कुतुब मीनार। और गाइस इस पूरे कुतुब मीनार पे एक ही वर्ड लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरे कुतुब मीनार पे लिखा हुआ है, यही एक वर्ड लिखा हुआ है। ये देखो ये सब कुछ पढ़ने वाली है, आप लोग को पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। फ़िलहाल हम लोग आगे जाएंगे। और इधर ये मैप है, इधर ये देखो गाइस ये है मैप, इसके अंदर का ब्रेल मैप ऑफ कुतुब मीनार। ये देखो ये मैप है बस। ये देखो हमारे उजाले भाई का यहाँ पे फ़ोटो शूट होगा कैमरे से, और भाई अभी इन लोग का फ़ोटो शूट करके और मैं अपना भी फ़ोटो शूट करके उसके बाद अभी कुतुब मीनार के अंदर चलेंगे गाइस। तो देखो ये कुतुब मीनार के अंदर का है, ये पता नहीं क्या है यार ऐसे बना रखा है। और इधर देखो ये बगीचा कितना अच्छा है यहाँ पे। और भी भाई इधर देखो भाई, ये देखो ये बैठने के लिए, सब लोगों के बैठने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छा है, मैदान टाइप का है खुला हुआ। और भाई इधर भी, इधर देखो कुतुब मीनार के अंदर का ये सब कुछ है। और इधर शायद इधर क्या है, और गाइस इधर भी मेरे ख्याल से कुछ लग रहा है, जाना चाहिए मेरे को तो। इधर चलते गाइस, ये देखो ये है मस्जिद। ओ गाइस ये देखो प्लेन कितना मस्त लग रहा है, ये एयर इंडिया का प्लेन है भाई, एयर इंडिया का, एयर इंडिया देखो दिख रहा है ना। और गाइस ये देखो ये है मस्जिद, मस्जिद है क्या पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है, अंदर जाना पड़ेगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो देखो इतनी ऊँची से नीचे कूदना पड़ रहा है भाई ऊपर जाने के लिए, और अभी इसके अंदर जाएंगे हम। गाइस ये देखो ये कितनी छोटी सी गेट है, इस देखो इतनी छोटी गेट है कि झुक के जाना पड़ रहा है अभी मुझे। और अभी मैं अंदर आया हूँ, और अभी देखेंगे ये क्या है इसके अंदर जाके, जाली से दिख रहा होगा, गेट नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें। गाइस तो ये है कब्रगाह, और ये है इमाम जाबिर की कब्रगाह, जो इमाम थे। और गाइस अभी आगे चलते हैं हम लोग। और ये देखो भाई ये गेट बना रखा है, इस पूरे गेट में आपको एक चीज़ दिखेगा मिलने को पूरे कुतुब मीनार में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह पूरे में। और गाइस ये देखो फिर एक एरोप्लेन गुजर रहा है भाई, मिनटों मिनटों यहाँ पे एरोप्लेन गुजर रहे हैं। और देखो उधर भी पब्लिक के बैठने के लिए, घूमने के लिए जगह है मस्त वाला। और भाई अभी देखो गेट है, अभी फ़िलहाल हम लोग अब चलेंगे जहाँ पे जिशान भाई लोग हैं उसके साथ में। गाइस तो देखो अभी हम लोग इधर कुतुब मीनार के एकदम पास जा रहे हैं, और अभी भी थोड़ी दूर पे हल्का सा, उतना भी पास नहीं आए। आगे इधर देखो एक किले सब बने हुए हैं, गेट सब बने हुए हैं भाई, यही सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे किले सब मुझे। और अभी देखो एकदम कुतुब मीनार के पास आ चुके हैं, और यहाँ पर देखो आपको और करीब से मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो गाइस हर दीवार पे आपको एक ही चीज़ देखने को मिल रहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, सारे दीवार पे आपको देखने को मिल रहा। और गाइस यहाँ से देखो कितना ऊंचा लग रहा है, एकदम गर्दन ऊपर करके देखना पड़ रहा है इसको, पूरा गर्दन ऊपर करके। और फिलहाल इधर देखो हर कोई अपना फ़ोटो शूट करा रहा है, बट मैं नहीं करवाता हूँ फ़ोटो शूट, क्योंकि मैं बस ब्लॉग बनाता रहता हूँ, फ़ोटो शूट नहीं करवाता रहता। और इधर भी देखो ये सब, ये पता नहीं ये सब क्या किस लिए बना है रखा है। और गाइस ये जो मीनार है कुतुब मीनार, इसका इसको बनवाने वाले का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बादशाह थे, उन्होंने बनवाया था ये कुतुब मीनार। और इधर देखो गेट है, यहाँ भी गेट है ये सब, बट ये गेट सब टूट गया है, ऊपर का भी देखो टूट गया, कुछ कुछ हिस्सा बचा हुआ है, बाकी ये सब टूट गया। और ये ऐसे खाली खाली सब, ये देखो ये कोई काम का कुछ है नहीं, बस खाली है भाई। ये पता नहीं समझ में आ रहा कि ये सब बनाया क्यों गया था भाई, प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है मुझे इस सब के बारे में, बट हाँ ये देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। गाइस तो देखो यहाँ पे खंडर सब बना हुआ है, ये सब कुछ खंडर बन गया अभी। और पब्लिक देख ही सकते हो आप लोग, कितने सारे पब्लिक अलग अलग जगहों पे है। अरे जिशान भाई कहाँ चले गए? अरे यार ये तो इधर पता नहीं क्या कर रहे हैं जिशान भाई। ये देखो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये देखो इनको क्या कर रहे हो जिशान भाई। गाइस ये देखो इधर भी सब बैठने वाला है पब्लिक के लिए। और भाई इधर देखो ये कुतुब मीनार, भाई साहब अर्जू भाई भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। ये देखो शमिल्ला भाई कैमरा पकड़ के खड़े हैं यहाँ पे, और जाले भाई फ़ोटो शूट कर रहे हैं, निशान भाई की फ़ोटो शूट कर रहे हैं भाई। तो गाइस देखो अभी हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्या है इधर, ये जीने पर चढ़ के फिर जा रहे हैं हम लोग इधर की तरफ। पूरे में रस्सी वाला ये लगा हुआ है, और अभी फ़िलहाल चलते हैं इधर हम। देखो भाई साहब की फ़ोटो शूट हो रही है कुतुब मीनार को पकड़ते हुए वाला पोज में। हाँ भाई गाइस देखो इधर ये खंडर सब है, और इधर भी काफ़ी पब्लिक है। इधर देखो ये नीचे मैदान पड़ा हुआ है पूरा। फिर देखो एक फ़्लाइट आ रहा है, ये देखो दूर पे, ये देखो नहीं दिख रही है, पास आएगा तो फिर दिखाऊंगा। ये देखो पास आने दो फिर दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो गाइस ये देखो ये आ रही है फ़्लाइट भाई, मिनटों फ्लाइट आ रहा है, मिनटों क्या ही बोलूँ मैं तो। ये लोग कहाँ रह गए भाई? तो गाइस यहाँ से देखो कुतुब मीनार कितना अच्छा लग रहा है, और हमारे भाई साहब लोग कुतुब मीनार को ऐसे पकड़ के ये वाले पोज में फ़ोटो ले रहे हैं। और भाई और इधर भी भाई साहब बहुत सारे फ़ोटो शूटर हैं, हर जगह तो फ़ोटो शूट ही होते हैं, बस मैं सिर्फ यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ। और अभी चलता हूँ फ़िलहाल, ये जो सामने ये दिख रहा है ना ये खंडर, इसके अंदर जा रहा हूँ भाई कि इसके अंदर क्या है। बस ये देखो खंडर पे बच्चे सब चढ़ रखे हैं भाई, बहुत मेहनत से लगता है ये लोग चढ़े होंगे ऊपर। और ये खंडर है, और इस खंडर के अंदर अभी हम लोग जाएँगे इधर गेट से, और अभी चलते पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, देखते भाई। ये देखो इधर भी पार्क बना रखा है बैठने के लिए बच्चों को। भाई इधर भाई वो नदी है क्या इधर, तालाब टाइप का? गाइस इधर पता नहीं तालाब टाइप का कुछ मुझे दिखा, अभी ऐसा लग रहा है कि तालाब है ये। देखो पहले ज़माना में का, ये पहले ज़माना की देखो नाली पकड़ती थी। ये देखो छोटा सा पुल, ये छोटा सा पुल बना रखा है, ये राजाओं की नाली शायद इधर से निकलती है देखो। और भाई अभी हर जगह फ़ोटो शूट हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। ये खंडर देखो भाई, ये खंडर मैं अभी इसमें जाऊँगा, इसके अंदर जाऊँगा क्या है इसके अंदर देखने के लिए, और आप लोग को भी दिखाऊँगा क्या है। भाई ये लोग तो बस फ़ोटो शूट पे लगे हुए हैं यार, क्या मैं बताऊँ। इधर अभी फ़िलहाल हम लोग चलेंगे, मैं जाऊँगा साथ में जाले भाई के, हम दोनों जाएँगे। और वो लोग उधर फ़ोटो शूट कर रहे हैं पीछे, उन लोग को छोड़ के अभी हम लोग इधर अंदर जाएँगे ये देखने कि भाई अंदर है क्या। भाई मेरा फर्स्ट टाइम है ना इसीलिए। भाई क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं भाई, मेरा फर्स्ट टाइम है, कम से कम देखने तो दो कि है या नहीं है, क्या नहीं है। पैरट का घोंसला। पैरट का घोंसला कहाँ, कहाँ है पैरट? ये पैरट का घोंसला है क्या? ये देखो ये पैरट का घोंसला है इधर, भाई बता रहे उजाले भाई। हाँ तो ये क्या है भाई? ये तो बस खंडर है। और ये क्या है? ये बैठने की जगह है? ये पलंग था राजा का। ये राजा का पलंग था भाई? इस पलंग में छत नहीं है, छत ही नहीं है तो ये पलंग कहाँ से हुआ यार? कुछ भी मजाक कर रहे हो यार। ये क्या है? टूट गया यार, कीला सब था। ये कीला सब था, ये सब कीला सब था, ये देखो ये सब कीला था गाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई मुझे इधर तो, और इधर भी यही सब है। ये देखो ये कीला सब, ये देखो हर जगह फ़ोटो शूट सब हो रहे हैं, हर जगह बंदे लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। देखो ये राजाओं का महल ऐसा ही होता था। और नेक्स्ट टाइम फिर कभी मौका मिले तो दिल्ली में और भी प्लेस अभी बहुत सारा बचे हुए हैं जहाँ घूमेंगे। और गाइस फ़िलहाल इसको देखो, ये भाई मिनटों भाई आ जा रहे हैं कहाँ ना कहाँ से भाई, बस गुन गन करके आवाज़ आता रहता है इसका, कहीं ना कहीं से आ जाता है भाई। ओ जाले भाई कहाँ चले गए मेरे? ओ जाले भाई, भाई कहाँ चले जाते हो यार तुम, साथ में रहा करो। गाइस ये देखो कुतुब मीनार यहाँ से पूरा प्रॉपर कैमरे में आ रहा है भाई, यहाँ से पूरा प्रॉपर आ रहा है यहाँ से देखो। तो गाइस देखो इधर जा रहे हैं, इधर खलजी का मदरसा है, और पता नहीं कहाँ पे है भाई, बस जा रहे हैं चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार आए हैं, मैंने कभी देखा नहीं था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पहली बार आए हैं, वैसे ताजमहल घूम चुका हूँ बट इधर नहीं घूमा हूँ,
तो मदरसा तो बता रहा था बट है नहीं भाई इधर कुछ हैं, सब खाली है क्या? सब जंगल जंगल लग रहा है भाई। ये पेड़ देखो कितना बड़ा है भाई, अबे भाई कसम से बहुत बड़ा पेड़ है ये तो भाई। इसका पूरा मैं आगे से दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ पीछे होके दिखाता हूँ रुक जाओ भाई। ये देखो ये पेड़ जो है ये भाई काफ़ी बड़ा पेड़ है, ये देखो इतना बड़ा है भाई ये पेड़ देखो। और इसके चारों साइड में ये ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे, अभी सब ये बड़ा हो जाएगा तो शायद ये पेड़ दिखेगा भी नहीं। चारों साइड में ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं और इधर कुछ है, ये क्या है ये देखो, पता नहीं ये क्या है यार, खंडर टाइप का भाई। ऐसा तो नहीं ये तालाब हुआ करता था पहले ज़माने का? हाँ हो सकता है यार, लग तो रहा है तालाब हुआ करता था। तालाब ही है ना? हाँ ये तालाब ही है भाई, बाकी इधर तो खंडर पड़ा हुआ है पूरा। मदरसा का खलजी का मदरसा इधर बता रहा था, वो तो है ही नहीं। गाइस इधर देखो, अभी हम लोग इधर दूसरे साइड पे आए हुए हैं, इधर भी कुछ है घूमने वाला इलाका, ये तो पूरा घूमने वाला इलाका है बट इधर भी है, तो इधर देखते पता नहीं क्या होगा। अभी इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग, ये सामने जो दिख रहा है आपको इसके अंदर जा रहे हैं अभी। गाइस ये देख रहे हो इसमें मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा, ये 1235 ईस्वी में बना था, ये देख सकते हो आप लोग, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। और फिलहाल अभी हम लोग इधर जा रहे हैं आगे की तरफ, और इसके अंदर जाना अलाउड है ऐसे बट जाएंगे नहीं हम लोग। इधर आगे से आप लोग को दिखा दूँ, ये देखो गाइस ये है मकबरा। और भाई ये देखो भाई इधर पता नहीं क्या है, ये गोल टाइप सा बना हुआ है कुछ पता नहीं क्या है। इधर भी मकबरे सब है, इधर भी सब मकबरे पूरे में, और मकबरा का मतलब कब्र होता है, तो ये देखो ये कब्र सब है इधर पूरे में। और अभी फ़िलहाल हम लोग चलेंगे, पता नहीं वो लोग किधर घूम गए हैं, हम लोग दूसरे साइड आ गए, वो लोग दूसरे साइड है, अभी उन लोग से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, अभी ढूंढना पड़ेगा कॉल करके, तो हाँ पहले उन लोग के पास चलते हैं। ये देखो अभी शाम हो गई है, और भाई जब शाम हो जाएगी प्रॉपर तरीके से फिर इसमें लाइटें जलेंगी सब में, फिर वो देखने में काफ़ी कूल लगेगा, तो इंतज़ार करते हैं लाइटें जलने का। गाइस ये देखो इसमें लाइट जल गई है, और भाई ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में लाइट जलने के बाद, ये हर जगह लाइट जल गई है देखो पूरे में, और इधर भी सारे जगह पूरे में लाइट जल गई है भाई, काफ़ी औसम लग रहा है ऐसे देखने में। और साथ में ये देखो फ्लाइट भी जा रही है, और ये देखो गाइस ये देखो लाइट जलने के बाद काफ़ी औसम लग रहा है भाई, पूरे में हर जगह पे लाइटें जल गई, बट ये लोग अभी तक मिले नहीं, अभी इन लोग को ढूंढना पड़ेगा पहले हमें। गाइस देखो फाइनली इतने देर बाद भाई ये लोग मिले, और भाई ऐसा ऐसा फ़ोन लेके घूमते भाई कि ये भाई रिचार्ज तक नहीं रखते अपने फ़ोन में, और नेट भी ऑफ करके रखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं घर पे जाने के लिए। गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट के बाहर, और भाई अभी वापस आते समय भी इन्होंने टिकट चेक किया कि भाई ऐसा तो नहीं कभी उस टाइम ऐसे ही चला गया हो कोई आदमी, और टिकट इन लोगों ने चेक किया अभी। भाई लोग को फिर देखो भाई इधर फोटो शूट कर रहे हैं भाई फिर से ये लोग, भाई वैसे काफ़ी अच्छा इधर से आ रहा है, ये देखो काफ़ी मस्त लग रहा है भाई, देखो लाइट जलने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कुतुब मीनार। गाइस तो अभी बस की टिकट ले लिए, देखो जैशान भाई भी है, और यहाँ पे समीउल्लाह भाई भी है, उधर उजाले भाई बैठे हुए हैं, और एक भाई आरजू भाई उधर बैठे हुए हैं महिला सीट पे, और अभी हम लोग चल रहे हैं अपने घर पे। गाइस तो अभी बस से उतर गए हम लोग, जब हम लोग चलेंगे पहले अपने दुकान पे। गाइस तो अभी रूम पे हूँ, और खाना पीना भी हो चुका है अपना, और इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। गाइस ये देखो फाइनली इन लोग को इतना ढूंढने के बाद मिल गए भाई, ये कॉल भी कर सकते थे लेकिन भाई कॉल किया भाई, कितना कॉल किया इनसे पूछो भाई, भाई ना इस पे इनकमिंग है ना इस पे इनकमिंग है, और तुम तीनों का व्हाट्सएप भी मतलब ऑफ आ रहा था भाई, ऑफलाइन आ रहा था।